से फिर गुरबास न प्यारे प्रभ मोहन बसारो जी मैं जन तेरा मोहन बसारो जी मैं जन तेरा सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाती राम गसैया जी के जीवना मोहन बसारो मैं जन तेरा प्रभु मोहन बसारो जी मैं जन तेरा मोहन बसारो जी मैं जन तेरा जी मैं जन तेरा Oh,
सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाती राम गुसैया जी के जीवना मोहन बितारो मैं जन तेरा मेरी हरो विपद जन करो सुबाई चरण छाडो तरीर कल जाई भगत भगत जग वजिया 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 भगत भगत जग भगत जग वजिया योग जुगो जुग अटल तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोदा आनंद मान रही गुरु रूप गुरुस्वारी सत्संग जीओ अपने समय ते स्वासन नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी तंदे तंदारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निघी गोद विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमूलक घड़ियां नूं गुरु बाबा जी दे चरणां विच लगा के सफलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर सतसंग जी अज भगत रविदास जी दे प्रकाश दे स्थान थान ते मनाए जा रहे हैं जड़े वहरू दा नाम जपते हैं नाम उन्हां दा दुनिया ते रिहा करता है योर गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपनी बाणी विच बख्शिश करते हैं नाम रहो भगत नाम रहो साधु रहो रहे गुर गोबिंद
कहो नानकी जगत में किन जपियो गुरमंथ। जिस समय च भगत रविदास जी ने अवतार धारण किया, आप जी का प्रकाश होया, हिंदुस्तान की हालत धार्मिक पक्षों बहुत पतली हो चुकी सी। धर्म के ठेकेदारा ने रब के बंद चार हिस्सों वंड दिता सी, पर इन्हां संतां भगतां ने गरीब घरानियां च जन्म लेके दुनिया के लोगों एक गल सिद्ध करके दस दिती कि परमेशर किसी वड्डी जात का मुहताज नहीं। परमेशर तो प्रेम के वसीभूत है। परमेशर की प्राप्ति सिर्फ ऊचे खानदान च, ऊची जात विच, ऊचे घराने विच जन्म लैके ही नहीं हो सकती। परमेशर की प्राप्ति तो जुलाहां दे घरे, शीपियां दे घरे, नाइयां दे घरे, गुरु की संगत मुसलमानां दे घरे। परमेशर की प्राप्ति सतसंग जी चमारां दे घरे जन्म लैके भी हो सकती है। अज जे किसी नूं असीं कहीए चमार कहीए तां देखो भगतां ने उस समय दे विच रविदास जी ने वड्डियां वड्डियां की परवाह नहीं की। एक बार कह दिओ वाहिगुरू, कहिंदे गुरु की संगत अपनी बाणी च कहिंदे ने मेरी जात कमीणी। आपां कहिंदे पिंड दे विच कमीणां दे घर ने, कमीआं दे घर ने। आपने अपने आप नूं छुपाया नहीं, कहिंदे मेरी जात कमीणी, पात कमीणी, हो मेरी गिनती भी कमीणा च कीती जांदी है, मेरी जात भी कमीणा दे विच मन्नी जांदी है। भगत रविदास जी कहिंदे कहिंदे होछा जन्म हमारा, मेरा जन्म भी इहो जे घराने दे विच है जिथे दे लोकां नूं लोकी नफर दी निगाह नाल देखदे ने। पर अगे की कहिंदे तुम शरणागत राजा रामचंद, सारे पढ़ो तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास च मारा। जदों परमेशर ने देखिया उहदे बनाए बंदिआं नूं नीच कहा जाता, कुत्ता तां भावें खूह तों पानी पीजे, माफ करना सतसंग किसी सरोवर तों पानी पीजे, नीवियां जातां दे लोकां नूं खूहां तों स्नान ना करन दित्ता गया, नहाउण ना दित्ता गया, खूहां तों पानी ना भरन दित्ता गया, मनू वर्गियां ने इस देश का सत्यानाश करके रख दिता। गुरु की संगत गुरु नानक के घर में कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। इतने जिहड़ा चंगे कर्म करता वह ऊंचा, जिहड़ा माड़े कर्म करता वह नीवें। गुरु की संगत इतने कोई जात नहीं। कलगी तरपथ की बाणी आती है, ना जात है ना पात है। जे रब की जात नहीं तो वो बंदियां की जात की हो सकती है। खैर इस मनू ने देश में इस करके शायद मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में विदेशी ताकतों के सदियों तक गुलाम रहना पिया। रब के बंद चार हिस्सों वंड दिता गया। पहले नंबर पर ब्राह्मण, दान लेना दान करवाना, विद्या पढ़नी विद्या पढ़ाउनी, जग करने जग करवाने, ये छे कर्म पंडित दे सिर रखे गए। दूजे नंबर पर क्षत्री सी, इनू विद्या पढ़न का हक दिता गया, पर अगे विद्या पढ़ाने का कोई भी हक ना दिता गया। रब का नाम जप सकता सी पर अगे किसी नूं उपदेश देने का हक ना दिता गया। तीजे नंबर पर बैस सी, इहदे हाथ विच गुरु की संगत दुनिया का कारोबार बिजनेस व्यापार दिता गया। ये गुरु की संगत विद्या सुन सकता सी, विद्या पढ़ नहीं सी सकता। चौथे नंबर पर रब के बंदे नूं नीच कह दिता गया, माफ करना इहदे हत्थों पानी नहीं पीना, माफ करना इहदे मत्थे नहीं लगना। खैर गुरु की संगत रही रहो विचार, पर हुण इह वेखण वाली गल है जे जुत्ती बनावे तो एक नीच जात दा बंदा, एक वारी कह दे वाहिगुरू इह किधर दी अकलमंदी सी। जे जुत्ती बनावे एक नीच ते जुत्ती नूं पावे ते एक ऊच, एक घर बनावे ते नीच उहदे च रहे ते धर्म दा ठेकेदार रहे, मुक दी गल की खेतां दे विच खेती पत्ता काश्त करे ते एक गरीब, जे परौंठे खावे ते एक अमीर, एक किधर दी अकलमंदी सी। नगारे ते चोट मार के रविदास जी ने उस समय यह गल कही सी, कहिंदे चमरट्टा गांढ ना जनी, सारे पढ़ो चमरट्टा गांढ ना,
चमरट्टा गांड न जन ही लोह गठावे पनी और जुतियां गंढन ते आए नहीं सन वह तो जातां नूं मुढ़ी ते रख के वढ़न वास्ते आए सन। जदों परमेश्वर ने वेख्या उहदे बनाए बंदियां नूं कोई नीच कहन लग पिया कुछ कुछ कहन लग पिया कुछ कुछ कहन लग्या लग पिया वह परमेश्वर ने अपने संतां भगतां नूं किसी नूं जलाहां दे घरे जन्म दिता। एक वारी कहदे वाहिगुरू पूर्ण कमाइयां वाले महापुरख एक जरनैल दी तरह इस धरती दे उत्ते रूहानियत दे जरनैल बन के आए। नाम दे वर्गे उन्होंने शीपियां दे घरे जन्म दिता, भगत सैन वर्गियां नूं नाइयां दे घरे भेजिया, मुकदी गल की रविदास जी वर्गे भगतां दा जन्म गुरु की संगत उस घराने विच होया जिन्हां तों लोकी नफरत करदे सन। परमेश्वर ने जिन्हें भी शरीर बनाए ने जिवें एक कुमार भांडे बनाउंदा है उहनूं अपने सारे भांडे प्यारे ने। कुमार दे किसे भांडे की निंदा करके वेखो तेरा घड़ा नहीं चंगा बनिया, तेरा कुझा नहीं चंगा बनिया, तेरी चप्पणी उह डंडा लैके मारन पऊगा, तू भी लगदा मेरे भांडे की निंदा करन वाला, खरीदना ते खरीद नहीं ते राहे पओ। इस तरह परमेश्वर ने माफ करना सारे जीव उहदे अपने बनाए हन। एक वारी कहदे वाहिगुरू फिर इक्को वर्गी वर्गे बनाए हन। एक बारी फिर कहते वाहिगुरू परमेश्वर ने किसी ने कोई वितकरा नहीं किया, माफ करना पारशैलिटी नहीं की, दो एक नैन एक बहन सबना परमेश्वर ने एक वर्गियां अखा दित्तियां, एक वर्गी जबान दिती, एक वर्गे हाथ दिते, एक वर्गे पैर दिते। आपे भांडे साजी ने आपे पूर्ण दे, एक ने एक ने दुध समाई एक चुल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पैर सवन एक उपर रहन खड़े, तिना सवारी नानका जिनको नजर करे उन्हें शरीरां रूपी भांडे आप ही बनाए हन। गुरु की संगत खैर उन्हों उहदा सभणा दे नाल प्यार है। रविदास जी का इस धरती दे उत्ते अवतार धारण करके आना उदों इस्लाम का बोलबाला सी, इस्लाम का राज सी, देश रियासतां विच वंडिया होया सी, और दूजे नंबर ते ब्रह्मणवाद का बोलबाला सी। जदों भगत कबीर जी वर्गे काशी दी हिक ते अवतार धारण करके आए, काशी साढ़े देश विच साढ़े हिंदुस्तान विच जुगां जुगांतरां तों संतां भगतां दा केंद्र तुरिया आ रहा, बड़े बड़े ब्रह्म ग्यानी तत्वेते विवेकी पुरश सत पुरश इस काशी दी हिक ते हो विचरे हन। खैर गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा, भगत रविदास जी आप जी माफ करना गुरु की संगत आप जी नूं उस समय दे विद्वान पंडितां ने किया जिहड़े धर्म दे ठेकेदार सन, जिवें अजकल सतपुरशां दी अज वी बड़ी निंदा हुंदी है जी, असीं संत मार दे जमाने देखदे रहे, बड़े बड़े उस समय बड़े बड़े कीर्तनियां बड़ी चढ़दी कलाश सी, ना तो किसी का की लैना, वह कीर्तनियां क्या करदे, वह देखो असीं मर जाने कीर्तन कर करके, मर जाने राग ला ला के, मर जाने माफ कर राग लभ लभ के, राड़े वाले संत नूं पुछदा कौन। इहनूं पंज प्रसंग आउंदे ने, कदे गणकां दा ला लैंदा, कदे धन्ने दा ला लैंदा, कदे नामदेव दा ला लैंदा, कदे रविदास दा इह प्रसंग ला लैंदा, भगत कबीर दा, कहिंदा सो इहनूं आउंदा की है, दुनिया पिछे पिछे दवानी हो के फिरदी है। खालसा जी जिहदी रसना ते रब दा वासा होवे उत्थे दुनिया ना फिरे भला, प्रभ जी वसे साध की रसना, नानक जन का दसन दसना, साखी प्रथाए महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने। साध संगत जी जद महात्मा बोलते हैं, नाम जपण वाले बोलते ने, गुरु की संगत बाणी उचरै साध जन अमी उचले झरने। जदों सतपुरशां दी रसन दुहर दा जस हुंदा उहनां दी रसां दे विच अमृत दे झरने ओह वह तुरते हन, फिर उठन नूं दिल नहीं करता संगत दा, क्यों नहीं करता, अमृत किहनूं माड़ा लगता। एक बार कह दे अमृतसर मिठा लगता, अमृतसर प्यारा लगता। खैर रविदास जी अज काशी दे विच विचरदे हन, उस समय दे धर्म दे ठेकेदारां ने आख्या रविदास तू वाहिगुरू दा भजन नहीं कर सकता, तू राम दा नाम नहीं जप सकता, पहली गल तू नीच है। एक बारी कह दे वाहिगुरू तू रब की गल करदा, तैनूं तां रब की गल कहण दा हक नहीं, तैनूं तां सुणन दी गल सुणन दा हक नहीं है, तू रब की गल करदा, तू परमेश्वर की गल करदा। फिर करदे करदे उस समय रविदास जी नूं कहिंदे हन की कहिंदे, कहिंदे नाम जपण दा हक नहीं, फिर शालक पूजा करदा, शालक
एक काले रंग का पत्थर हुंदा जिसनू शालग्राम भी कह दिंदे ने हिंदू मत विच, तो शालग भी रखिया होया, शालग्राम भी रखिया होया, शालग भी कह दिंदे, शालग भी कह दिंदे, शालग्राम भी रखिया होया। फिर माफ करना तेनू जंजू पाउण दा हक नहीं। खैर करदे करदे देश गुरु की संगत रियासतां च वंडिया होया सी। उस समय का इंसाफ हाकमां दे हत्थ च सी, हुकमराना दे हत्थ विच सी। माफ करना एक काजी, माफ करना पंडित जिन्हें भी ये उची जात दे अपने आप नूं विद्वान समझते सी, सारे जाके नवाब दे पास पुजे जी। और देखो जी साढ़े काशी दे विच एक जात दा चमार है, ना रविदास है, और इस तरह करके जुत्तियां गणदा है, कम भी चमड़े का करता, चमार ही नहीं है, चमड़े का कम भी करता है। माफ करना इन्हां संतां भगतां दी भावें माली हालत कोई बहुत ही चंगी नहीं सी, इन्हें सोचा भी नहीं सी कि सदा संसार ते रहना, दुनिया कोई रोज का मेला है, चार दिन इतों कट के चलिया जाना है, दुनिया फना दा मकाम है, यानी मौत का अड्डा, फना का मकाम है। फिर भी जीवन निर्वाह वास्ते आप जी ने छोटे छोटे कम किए, गुरु किसी कुली जुली गुली रहने वास्ते मकान माड़ा चंगा, कुटिया कह लो, कुली कुली कह लो, खाने वास्ते सत्संग गुली प्रशादा कह लो, तीजे नंबर पर सत्संग तन ढकन वास्ते कपड़े, इस तरह इन्होंने काम भी किए। पर जो इन्हां महापुरशां ने अपनी जिंदगी च आनंद माणे है, उस समय दा बड़ा बड़ा राजे महाराजे नहीं मान सके, क्योंकि बिना नाम तू गुरु की संगत मंदी शांति किते है ही नहीं, दुनिया विच किते सुख है ही नहीं। सारी दुनिया देखो, गुरु बाबे ने दस्या नानक दुखी है, सब संसार सारा संसार दुखी है। जदों दशमेश जी ने तलवार की धार ते खालसा पंथ सजिया, एक बार कह दे बैर और सिरां दे मंगण दी की लोड़ पै गई सी, वह तलवार ना सिखां दे सिर नहीं कट्टे, गर्दना नहीं कट्टियां, तलवार दे नाल गुरु गोबिंद सिंह ने जातां कट्टियां हन। खालसा जी एक बार कह दे बैर, गुरु साहब नूं पता सी कि जदों ये विखरे लोग, जदों तक ये खिंडरे लोग जिहड़े चारां हिस्सों च वंडे पै ने, जिहड़े जातां बरादरियां मजहबां विच बरादरियां च वंडे पै ने, जदों तक ये लोग एक नहीं हो जाते उदों तक जालम दे जुल्म दा टाकरा करना ये बड़ी मुश्किल गल है। खैर जदों ये विचार करिए, जदों सतसंग जी पंजां दे सीस धड़ तों जुदा कीते ने, फिर जो गुरु साहिब ने जोड़िया अपनी रूहानी शक्ति दे जरिए जोड़िया, पर जो बड़ी देखने वाली गल है, बहुत घट लोगों को पता है, माफ करना कि जो रूहानी शक्ति दे जरिए जोड़िया ना पंजां दे सिरां नूं, दसना कीता कदी दमदमे टकसाल दे मुखी ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी संत गुरबचन सिंह खालसा, पिंडरां वालों का जीवन पढ़ के देखो, वो पाठ दर्शक ग्रंथ च मर्यादा वाले ग्रंथ दस्या कि जदों पंजां प्यारे दे सीस धड़ नाल जोड़े ने गुरु साहब ने अपनी शक्ति दे जरिए, किसे प्यारे दा शरीर सी, किसे प्यारे दा सिर सी, सिर किसे दा सी, शरीर किसे दा सी, एक दा सिर, सिर किसे होर दा जुड़ गया किसे दे सिर, धड़ किसे दे धड़ नाल किसे दा सिर जुड़ गया, किसे दे धड़ नाल किसे दा सिर जुड़ गया, यानी ऐ कह लो कि चारा प्यारियां दे एक दूजे नूं सिर जुड़ गए, चारा प्यारियां विच धड़ किसे दा सी, सिर किसे दा सी, धड़ जे मोहकम सिंह दा धड़ सी मान लो ते सिर हिम्मत सिंह दा सी, जे धर्म सिंह दा धड़ सी ते मान लो कि सिर सी जिहड़ा ओह साहब सिंह दा सी, जे साहब सिंह दा धड़ सी सिर सुन लो धर्म सिंह दा सी। इह कहिंदे दया सिंह दया भाई दया राम दा सिर नहीं जुड़िया, जो अमर चक्के दया सिंह बने, ओह दया सिंह दा सिर क्यों नहीं जुड़िया, दया कहिंदी आ कि जेकर तू धर्म के राह पर चलने से पहला दया पैदा कर, एक बार कह दो वैरू तौल धर्म दया का पूत। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जातां कट्टियां सन, जातां कट्टियां सन। इधर भगत रविदास जी कहिंदे नवाब दे पास पेशी पई कि देखो कबीर जी ते भी ये गल्लां आईयां, वड्डियां वड्डियां ते आईयां। एक सरबजीत नां दा पंडित थमां थोड़ा गल कोई ज़्यादा कहनी है, अगली पूर्णमाशी के चार बजे कीर्तन की समाप्ति हो जाया करेगी, असं बुलारियां भी कह दें कि वो अपना समा 12 बजे तो लैके 2 बजे तक निर्धारित कर लैन, जिहड़ियां संगतां ने मिलना वो 10 तो 12 मिल सकदियां हन,
चार बजे इतों समाप्ति कर दी जा करेगी। संगत दस रही सी क्योंकि जान लगियां कई परेशानियां आदियां ने, रुकावट आदियां ने। खैर आप उधर ना जाइए, ये मुश्किलात भगत कबीर जी के सामने आई। एक सरबाजीत ना का पंडित, माफ करना सरबाजीत ना का पंडित, वह कबीर जी के सामने दुनिया कितने तक चली जाती है, माफ करना कि मुसीबत नहीं आई, माफ करना किनू मुसीबत जी लंघना पिया, पर रब के प्यारे अडोल तुरे जाते हैं। नवाब के सामने पेश की शिकायत लगी पहला भगत कबीर जी की, माफ करना सतसंग जी शिकायत लगी जी, ये माफ करना खुदा का नाम जपता जी, राम का नाम जपता जी। वो भगत कबीर जी ने कहता कि ना मैं हिंदू हैगा ना मैं मुसलमान हैगा, फिर तू है की है? कहता मैं तो परमेश्वर की अंश हाँ। एक बार कह दो बहरू कहो कबीर ए राम की अंश, जस माफ कागज पे मिटे ना मनस। खैर वो नवाब के सामने पेशी पई, जो नवाब के सामने पेशी पई तो वो कबीर जी ने कहा गया कि तू खुदा का नाम जपना बंद कर दे, राम का नाम बंद कर दे, कहते ये तो हो ही नहीं सकता कहीं। खैर उस मौके फैसला किया गया कि भगत कबीर जी ने सत्संग जिंदे पैरों में बेड़ियाँ पा के हाथों हथकड़ियाँ मार के सौवन लकड़ कट्ठी करके सौवन लकड़ी कट्ठी करके चार छुरे लकड़ी चिंड दी जाए तो कबीर भगत को अग ला के यदा संस्कार करता जाए, सड़ फूक दिता जाए। खैर वो श्रद्धालु हैं जोड़े तो बड़े परेशान हैं, वह भगत जी आप जी ने की होने वास्ते जा रहे, भगत जी लगे कहन तुम फिक्र ना करो, निरंकार कृपा करेगा, बहरू पली करेगा। अज विचार चल रही है कि किहो जे जमाने च संत भगत होए। खैर गुरु की संग ऐसा ही किया गया, राजे लोग हिंदी होंदे हैं जिदी होंदे हैं, राज मध दे विच आ के राजे ने भगत कबीर जी ने पैरों में बेड़ियाँ पातियां, हाथों में तकड़ियाँ मारतीं, चार छुरे लकड़ियाँ चिड़ियाँ जा रही ने। जो लकड़ा चिंद दियाँ गई कबीर जी अंदर बैठे ने, श्रद्धालुओं के मन में बड़ा खेद है, बड़ा दुख है, श्रद्धालु हिरदा बड़ा नरम होया करता। खैर गुरु की संगत उस मौके सत्संग जी कहिंदे कि गुरु की संगत जो अग दिती गई तो माफ़ करना उस मौके सारे सरदार दे गए माफ़ करना, गुरु किसों कबीर जी तो सड़ जाएंगे, कबीर जी तो हम शरीर सड़ के सुहा हो जाएगा। करते 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 माफ़ करना जो अग मची, वो जिमें जिमें अग मचती जा रही है भगत कबीर जी थल्यों ओ मचती अग दियाँ लकड़ियाँ होंगी, माफ़ करना वो उपर उतान उठते जा रहे हैं। जो मुकदी गल की अग दी लकड़ियों के ढेर के उत्ते आ गए उत्ते बैठे हैं, वह बादशाह देख के बड़ा हैरान हो रहा, माफ़ करना ये हूँ सड़ जाएंगे हूँ सड़ जाएंगे। उस मौके गुरु किसी अग और लकड़ी सड़दे सड़दे लकड़ियाँ सड़ गई, जब लकड़ियाँ सड़ गई भगत कबीर जी उस तरह अडोल बैठे ने, माफ़ करना राजा उस मौके अग है जी बड़ी दूर तक से भी जाता, पर भगत कबीर जी के शरीर से सिर की लगना सी वो कपड़िया भी अग ने नहीं साड़िया। उस मौके राजे ने पूछा भगत कबीर जी ने यह की कौतक है, उन्हें कहा तुम मैनू साड़ लो, तुम मैनू साड़ ही नहीं सकते, क्यों? कहते हैं जोड़ा वहरू है हवा में भी आप है, पावक ना है अग का, माफ करना पवन ना है हवा का। उस मौके आप जी ने यह शब्द उच्चारण किया, कहते साड़ लो मैं जो साड़ सकते हो, योजे समय में भी रब दे आशकों ने वहरू के प्यारिया ने वह नाम जपया अडोल रहे। इं भगत कबीर जी ने उस मौके शब्द उच्चारण किया, नवाब इस खेड नू तू नहीं समझ सकता, आपे पावक आपे पवन, आपे पावक आपे पवन, आपे पावक आपे पावक आपे पवन, आके पावक आपे पवन, आपे Thank you.
रखे खसम तो यारे कबूना, रखे खसम तो यारे कबूना। आपे पावक आपे पवन, आपे पावक आपे पवन, अनुवाद वहरू हवा विच भी है, वहरू अग विच भी है, रखे खसम जिन्हों मालक रखे उन्हों केड़ा साड़ सकता। वो काम बादशाह लोग कन्ना दे कच्चे होंगे, काजी कहन लगे, पंडित कहन लगे, जी इन्हें अग वासिज कीती है, कह दे वहरू इन्हें अग वासिज कीती है जी, माफ करना, माफ इस करके नहीं सड़िया। बादशाह कहता फिर इंज करो, इनू हाथ पैर बन के गंगा च रुड़ दो, डुब के मर जूगा। जो पैरों बेड़िया पाती, हाथों न हथकड़ियाँ मारती, खैर गुरु की संगत पानी के गहरे पानी के जाके भगत कबीर जी सटवाता। जदों सटवाता थले पानी से चले गए, फिर एकदम बाहर आए, उस मौके की बाणी आती है, हाथों के पैरों बेड़ियाँ टुट जांदियां हन। भगत कबीर जी साध संत मार्ग के लोग मिर्ग की शाला सब तो ज़्यादा पवित्र मनते हैं, जिस पर बैठ के भजन करते हैं। उस मौके भगत कबीर जी उस तरह फिर पानी उत्ते बैठे हैं, सत्संग जी पैरों दियां बेड़ियां टुटियां ने, हाथों दियां हथकड़ियां टुटियां ने, ते उस मौके भगत कबीर जी बाणी उच्चारण कर रहे हैं, गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर। सारे पढ़ो, गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर, मृगशाला पे बैठे कबीर, मृगशाला पे बैठे कबीर। चार गुरु की संग वहरू अंतर जामी बड़ा बेअंत है, जिसका किसी ने अंत नहीं पाया। वह हमेशा ही अपने संतां भगतों की रखता आया, अगों भी रखता रहेगा। खैर बादशाह ने खैर माफ़ी तो मंगी, मुकदी गल की गुरु की संग समा बीतता तुरै जाता। घर में आ गए, एक दिन एक सरबाजीत पंडित गया, जाके भगत कबीर जी के घर पुजिया। सूरज छिपन दे जा रहा, तारे निकल रहे सी, सूरज छिपन तो बाद तारे निकलिया करते हैं, तो दरवाजा खटखटाया। अगे भगत कबीर जी घर नहीं, अंदरों लोई निकली, आओ जी पंडित जी कैसे आए। कहने कबीर का घर ही है, कहने घर तो ही दसो की कहना चाहते। कहन लगे मैं भगत कबीर जी ने कोई विचार करनी है, विचार वटांदरा करना, इतने कई आवगे जी, वो पता है नहीं किसी गल का, एक बार कह दे वाहू जी, इधर उधर दल्ला मार के चले जाएंगे, पर जिथे इन्हें पुजना वो दुनिया कोई होर है। दिनी रहन चंदनी सूरज तह बसे निरंकार, उत्थे दिन नहीं उत्थे रात नहीं, उत्थे सूरज नहीं चंदनी, उत्थे दुनिया की कोई चीज़ नहीं, जिथे परिपूर्ण वहरू का वासा है। खैर गुरु की संगत लोई लगी, कह हस भी लोई लोई लगी, कह तुसी भगत कबीर जी ना, तुसी भगत कबीर जी ना विचार वटांदरा की कर सकते हो, माफ़ करना। कह लगे क्यों, मैं बड़ा पढ़े लिखे। लोई कह लगी एक गल का जवाब दो पंडित जी, तुसी रात के 12 बजे कदे सूरज निकलिया, रात के 12 बजे सूरज निकलिया वेखिया। कह लगा लोई, कह लगा, कह लगा रात के 12 बजे तो सूरज निकलता ही नहीं। वो कहती तेन ताई किया है, जे तू चुप करके वास चला जा, चुप करके वास चला जा, जोड़ा रात के 12 बजे सूरज निकलता वह भगत कबीर ने वेख्या, वह भगत कबीर ने वेख्या। ठहर, कह लगा ये किस तरह हो सकता। उधरों अजे गल चलती सी भी भगत कबीर जी आ गए, जो भगत कबीर जी आ गए तो माफ़ करना गुरु की संगत, लोई कह लगी जी और देखो भगत जी भी आ गए। खैर कबीर जी ने आख्या आओ पंडित जी कैसे आना आया।
खैर बिठाया, कह लगे मेरा विचार वटांदरा करो। हूँ ग्रंथों के खोते लद्दी फिरता सी। पाल कबीर जी कहते पहला ग्रंथा अग लग गया, इन्होंने ग्रंथा अग लग गया जी मेरा विचार करने का। और कह लगा भी मुकदी गल की, तुसी मेरे नाल विचार करो। कबीर जी कहते विचार करोगे? हाँ। उस मौके विचार चल पी, तारे निकल चुके सी, बाणी उच्चारण करने का तरीका देखो। कहते पंडित जी वह जो दिसे अंबर तारे, आकाश उंगली खड़ी करके किया कि वो जो आकाश तारे दिखते ने किने चीते चितनहारे, ये तारियां दी मीनाकारी किने कीती है? पंडित चुप, पंडित चुप, किने कीती है तारे की दिन लगे ने? कहिंदा आकाश ना लगे ने। वो कहिंदा आकाश ना लगे ने? कहिंदा हाँ जी। फिर कबीर जी कहिंदे कहो रे ब्राह्मण अंबर काशो लग, जे तारे काश ना लगे रहे तो काश की ना लगे। एक बार कह दे वैरू, एक बार फिर कह दे वैरू। जब गुरु नानक जी बगदाद विच गए ने, उत्थे दा काजी रुकनदीन काजी सी, ते उत्थे बाणी उच्चारण की, पताला पताला खगासा घास जरा ध्यान देना पवेगा, तो जरा ख्याल देना पवेगा। ये उत्थे जो विचार चली उहदे नाल तां वो कहते जी सत काश मनते हैं, सत पताल मनते, तेरह तब कह लो, खैर गुरु की संगत असी मनते हैं। तो बाबा जी कह लगे, फिर कह बाबा ये सवाल किया भी धरती कि सिर पर खड़ी है? जो सवाल किया कि बाबा जी ने कहा धरती कि सिर पर खड़ी है, वह कहते बल्द के सिर पर खड़ी है। बहुत ही छोटे होंगे के कहते होंगे सके जी धरती है वो बल्द के सिंग के सिर पर खड़ी। महाराज ने आख्या जी तुम ये गल मनते हो कि धरती बल्द के सिंग के सिर पर खड़ी है, तो बल्द कि सिर पर खड़ा है? बल्द कितने खड़ा है? एक भी कहते वो बल्द कितने कि सिर पर खड़ा? कहते बल्द के पैरों तले एक होर धरती है। कहते अच्छा, तो वह धरती कौन खड़ी खड़ी करी 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 पे, उस धरती कौन चक्की बैठा? फिर आख्या जी उस धरती के थले एक होर बल्द है जी, हाँ जी वनू चक्की फिरता। फिर आख्या फिर वो थले आखिया जी एक होर है जी, एक थले एक होर धरती है। ये बाणी उत्थे उच्चारण की थी, धरती होर परे होर होर तिस्ते भार तला कमण कर करदे 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 गुरु जी लगे कहन, माफ करना महाराज लगे कहन, कहना फिर जरा सब तो थले वाला बल्द कि सिर पर खड़ा? फिर उस मौके उन्होंने कोई गल ना आई, जरा ध्यान देना पवेगा। बाबा जी ने आख्या सी रुकनदीन बल्द जरूर खड़ा है, पर जो बल्द है वह ये नहीं है गां का बच्चा नहीं है, वह बल्द है धौल धर्म, वह धर्म रूपी धौल धौल कहते बल्द कहते बच्चा, वह कहते वह दया का पुत्र है। कहते बहरू धर्म है जरा दया रूपी गां का पुत्र है, माँ का पुत्र है, धौल धर्म दया का पूत, और खड़ा कि आसरे संतोख के आसरे खड़ा, संतोख थाप रखे जिन सूत। इधर भगत कबीर जी कहते कहते पंडित जी आकाश कि लगे, माफ करो चुप कर गया, कहो रे ब्राह्मण अंबर काशू लागा। जो चुप कर गया तो यह जो लोगों को गल्ला बहुत आदियां ने, इधर दताबा बड़िया आदियां ने। संत कहते होंगे सी जिन्हें रब न मिलना कैसे महापुरख की वचन की कमाई करे, किताबों के लोगों अपने अपने ख्याल मुताबिक लिख दी ने। एक बार कह दे बाहर किताबों के पानी च मधाणी पाने वाली गल है, जिन्ना मर्जी पढ़ी जा। कहो गुरु की संगत, वो फिर पंडित जी लगे कह भी कहते कबीर जी फिर तुम दसो इस गल का पता किवें लगे कि आकाश कि जुड़िया हुआ? उस मौके फिर समझाया सी कहो रे ब्राह्मण अंबर कांश लागा बूझे बूझण हर सुभागा, इनू कोई भागा वाला समझ सकता? कहते कि भागा वाला? फिर भगत कबीर जी ने कहा सी कहो कबीर जाने गल सोई, सारे पढ़ो कहो कबीर जानेगा सोई, कहो कबीर जानेगा सोई हिरदे राम, सारे पढ़ो हिरदे राम मुख रामे हुई, जिदे अंदर भी रब का ना हो, जिदे मूँह दे विच भी रब का ना हो जानेगा। खैर उन्हों को गल ना ही चला गया। खैर दूजे दिन फिर राजे दरबार चला गया। दुनिया कितने तक चली जाती है? नवाब नूं आख्या जी वह इस्लाम की बड़ी निंदा करता, इस्लाम का राज सी, वो तो इस्लाम की बड़ी निंदा करता, वो हिंदू वेदा शस्त्रां की बड़ी निंदा करता, कबीर नूं बुलाओ मेरे नाल विचार वटांदरा कराओ। मुकदी गल की राजे लोग कन्नां दे कच्चे हुंदे ने। दूजे दिन भगत कबीर जी नूं लैण वास्ते
इन्हें अपना अन्न महदा कह लो सिपाही कह लो भेजे भगत कबीर जी ने उन्हें आके आख्या महाराज तुम बाप ने सदे कबीर जी लगे कहने कादे वास्ते सदे अखे थोड़ी शिकायत गई। खैर कबीर जी पूछे एक पास है बड़ा बड़ा विद्वान पंडित बैठे ने पुन पाप तेरे अगे तुलने ने एक बाबा झंडा सिंह होए ने कारसे वाले महापुरख होए ने आप पढ़े लिखे सज्जन चले गए उन्होंने को लगे कह जी साधगी महिमा बेदने जाने साधगी महिमा बेदने जाने जेता सुने तेता बखियाने कहते यह मतलब की है साधुओं ने महिमा क्यों कि वेद किवें नहीं जान सकता माफ करना वेद किवें नहीं जान सकता कहते नहीं जान सकता बाबा झंडा सिंह ने आख्या तुम्हें की लैना तुम जाओ पहली गल तो कहते ने वेद नहीं जान सकता कह संत बेदा तो परे हो गए कहते संत कहते चंगा फिर खोल बेदा एक बार कहो बहरों माफ करना कहते खोल बेदा बेदा खोल के दस भी कल न 12 बजे की होना एक बार कहते बहरों एक बार फिर कहते बहरों यह दस भी कल न 12 बजे की होना बेदा खोल के पढ़ के दस की बेदा जी कहते लिखे कल न 12 बजे की होना चुप कहते बाबा जी बेदा तो गल नहीं लिखी कल न 12 बजे की होना फिर वो कहता तुम कृपा करो कहते जे तेनों अभी दस दीए भी कल 12 बजे की होना फिर तू मान लेंगा सर कि मैं बेदना जाने आता फिर मैं मान लूंगा फिर तो मैं मान लूंगा भी वाकई सर कि मैं बेदना जाने संत बाबा झंडा सिंह ने आख्या कल एडा वा तूफान आना आड़िया जिमीदार कट्टिया फसल सारिया उड़ जा बच्चे बच्चे उड़ा के लै जानियां उस तूफान ने माफ करना कहता चंगे तो चंगे बाबा जी आख्या दरख्त भी उठ उठ के ढह ढेरी हो जाएंगे कल 12 बजे आ होना वो कह लगा जी कि हो सकता कहते देख ली फिर तू देख ली फिर तू देख ली घर दूजा दिन खालसा जो बजे 11 तक चढ़ी काली घटा माफ करना नेरी काली नेरी कहते सुन कहते आप छोटे होंगे चढ़ी शिवद करनी बड़ा बड़ा दरख्त तोड़ के लै गई कहते क्यों दस मुकरी गल की इत भगत कबीर जी कहते ने कहो कबीर जानेगा सोई हिरदे राम मुख रामे हो दूजे सामने दूजे दिन जब भगत कबीर जी पेश हो नवाब दे बिशंबर दास पंडित लगा कह एक बार कह दे बाहर बिशंबर दास पंडित लगा कह माफ करना गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा इधर सरबाजीत पंडित कह लगा जी मेरे या तुम विचार वटांदरा करो ज हार मान लो सतसंग जी पते क्या लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बो तीत पव्या तेतो लव्या बो पेकी आ दही दुखदी आ अन्न न खाया सद गवाया दूजे पाया ऐसा कुछ आता है। खैर गुरु की संगत तो कह लगा जा मेरा विचार करो तो जा मेरे नाल तुसी इंज करो मैं तू हार मान लो भगतों बड़ी दया होंगी है एक बार कहते बाहर बड़ी गरीबी होंगी भगत असल में जिते कुछ नहीं जिते होमे नहीं जिते ईरखा नहीं जिते दुविधा नहीं जिते द्वैश नहीं जिते राग नहीं रजोगुण तमोगुण सतोगुण असमनसा तृष्णा यानी कुछ भी नहीं जिते जिते मैन की बदबू नहीं ना असल साधु है पर ऐसा दुनिया तो है कोई विरला ही। खैर गुरु की संगत भगत जी लगे कहन जी पंडित जी मैं हार मनी पर मैं हर एक शर्त दे मानता हाँ भी तुम मैं एक छोटे जे कागज़ पर लिख के दे दौ छोटे कागज़ पर लिख के दे दो कि सरबाजीत पंडित जितया तो भगत कबीर हारिया ये लिख के दे दो भगत कबीर हारिया तो सरबाजीत पंडित जितया वह बड़ा खुश जी बाकी बाणी दे विच तुक आउंदी है सतसंग जी चंडाल झोंपड़ी जां कूड़ झोंपड़ी सदा कूड़ कमावे चंडाल झोंपड़ी कट्ठी हुंदी है जेड़े ईरखा दुबधा द्वैश वाले लोग ने तो वह सारे ताड़िया मारती जो ताड़िया मारती तो वह बड़ा चौड़ा जहा हो गया लगा लिखन जी लिखन लगा जी भगत कबीर हारिया लिखना जी भगत कबीर हारिया जो हा पाँव लगता उत्थे जज्जा पै जाता उत्थे लिखा जाता भगत कबीर जितया वह फिर मिटाता फिर लिखता भगत कबीर हारिया उत्थे लिखा जाता भगत कबीर जितया वह करते करते फिर लिखता वह फिर लिखता सतसंग जी भगत कबीर हारिया वह फिर लिखा जाता जितया वह करते करते वह नवाब कहता तेनों बड़ा समा हो गया फिर वह अगे लिखने की कोशिश करता
भगत सरबजीत पंडित जितया, जो सरबजीत पंडित जितया लिखन लगता उत्थे लिखा जाता सरबजीत पंडित हारिया, सरबजीत पंडित हारिया। जो फिर लिखता भगत कबीर जितया लिखन की हारिया लिखता उसे जितया लिखे जाता। उस मौके नवाब ने पूछा की गल तेरे को दो अक्षर नहीं लिखे जाते, तेरे को दो अक्षर नहीं लिखे जाते भगत कबीर हारिया सरबजीत पंडित जितया तेरे को लिखा नहीं जाता। उस समय पंडित ने नवाब के पैर फर ले, आख्या महाराज लिखने की कोशिश बड़ी करदा पर आ लिखा जाता। कहिंदा सचमुच भगत कबीर जितया तो मैं हारिया। सासों सारे ताड़ी मारती भी हो पर अंदर जड़ी अग से बाहरली अग नूं तां आपां बुझा सकदे हां, घरां नूं अग लग जाती आपां गली मुहल्ले वाले मिल के बुझा लैंदे हां, शहर च अग लग जाती फायर ब्रिगेड दीआं गड्डियां आउंदियां माफ करना वह पानी पा के अग बुझा दिंदियां। हर बंदे दे अंदर एक अग है, वह अग है जिहड़ी बिना नाम तों बिना विचार तों नहीं बुझ सकती। वह कित्थे तक अग मच गई हुण वह विचारा गरीब जलाहा धन्ने बुनने का कम करन वाला कर गुरु की संगत इन्हां मिल के काजियां मलाणियां पंडतां ने भी इहदी निरादरी करी है। डौड़ी पटवाती अखबार उस जमाने च नहीं सी निकलती, मीडिया का जमाना नहीं सी, बड़ी बड़ी दूर तक स्नेहे सदे पत्र भेजे गए कि फलानी फलानी तरीक नूं अमके दिन नूं अमकी डेट नूं तरीक नूं भगत कबीर दे घर एक बहुत वड्डा भंडारा हो रहा, तो तुसीं कृपा करके दर्शन देण दी कृपालता करो। भगत कबीर जी दा पता ही नहीं है, एक वारी कहदे बार उन्हों का पता ही नहीं है, पर गुरु की संगत वह भंडारे की नीयत की तरीक जिहड़ी इन्हां धर्म के ठेकेदारां ने दित्ती सी कि दर्शन देण दी कृपालता करो। लोग मेले के रूप च गुरु की संगत पुजते हैं, जो मेले के रूप पुजते हैं ढाणियां दी ढाणियां सतसंग जी जथियां दे जथे बन बन के लोग आते हैं, तो भगत कबीर तो भगत कबीर का बेटा कमाला गुरु की संगत वो कपड़ा पहला रात को बुनते दूजे दिन वेचण वास्ते तुर पैंदे, अगे पग डंडियां होंदियां कच्चे राह होंदे जिन्हों पैसे भी कहा जाता, लोगों दी ढाणियां ढाणियां जांदियां देख के भगत कबीर लगा कहन बेटा कमाला है। लोग बड़े तुरे जाते हैं अपने काशी नूं की गल है, करण ने पुछना किया भी तुसी कौन हो किधर चले हो, उन्हें आख्या भगत आख्या भाई साहब जी तुहानूं पता कित्थे रहिंदे हो, आख्या काशी च रहिंदे रहीदा तां काशी च ही है, कहिंदे तुहानूं पता कहिंदे की कहिंदे ने साडे काशी च अज एक बहुत वड्डा भंडारा, कहिंदे कित्थे कहिंदे भगत कबीर दे घरे असीं चले हाँ सानूं लैटर गए ने पत्रकार गई चिट्ठियां गई ने। उस मौके भगत कबीर जी लगे कहन भाई तुहानूं किसी ने गुमराह किया, भगत कबीर तो गरीब भगत है माफ़ करना, वो तो मेहनती आदमी है किरती आदमी है तो करके खाँदा प्रभु का नाम जपदा, इस तो अगे बई अज तक असी तो नहीं सुनिया भी यह जहाँ भंडारा, कह जा जाओ जी कम करो, लखां दी गिनती दे लोकां दा इकट्ठ है। पर भगत कबीर ने आख्या बेटा कमाला की कीता जाए, आख्या बापू करना की है आपां झाड़ी च लोके बह जाने तो लोग आपे भुखे पैसे मुड़ जाएंगे, जे आपां सामने गए तो लोगों ने सानू इट पत्थर मार मार के मार देना। आख्या बेटा लगता भी कुछ एक शरारती लोगों ने विरोधी लोगों ने निंदक लोगों ने साड़ी निंदा करन दी ठान ली सोच ली, कह लो घर दोवें प्यो पुत झाड़ी दे विच लुक के बह जांदे ने। अगे कबीर दे घरे पुजदे ने अखां दी बनी कुटिया सी जिहदा नाम राम कुटिया रखिया होया सी, जिथे दोनों समय हरी जस हरी कीर्तन हुंदा सी, घर दा वेड़ा सी चार दुआरी कोई नहीं सी, पहला समा कुछ चले जाइए ते लोकां दे घर बड़े खुले हुंदे सन, चार दुआरियां कित्थे हुंदियां सन, माफ़ करना गुरु की संगत खैर रहो विचार। तो लखां दा कट्ठ लोग कहिंदे किहड़ा भगत कबीर का घर है, जिन्हें मूँह ओनियां गल्लां कित्थे आ कबीर आई देखदिआं नूं जे है वो है। सतसंगे जी वैरू अंतरजामी कहिंदा कि मैनूं संतां भगतां तों प्यारी दुनिया ते कोई चीज़ नहीं है। खैर गुरु की संगत
ਜਿੰਨੇ ਮੋਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਨਿਉਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਮਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਮੰਗੋ ਲੂਣਾ ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਘ, ਮਾਫ ਦੋਸਤ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ ਮੁਰ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ, ਦੋਸਤ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਖਟੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਐਨੀ ਹੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੋਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਲੋਈ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੰਕਾਰੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਲੈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੰਕਾਰੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੰਕਾਰੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰੰਕਾਰ ਵਹਿਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੜਾਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੌਣੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕੜਾਈਆਂ ਕੜਾਈ ਚੜ੍ਹਾਤੇ ਗਏ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਈ ਦੇਖਦੇ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਲੋਈ ਜਿੱਧਰ ਝਾਤੀ ਮਰਦੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਬੀਰ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਬੀਰ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਉਹ ਠਹਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਚੱਪਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਕ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬਈ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਖਾਣਾ ਛਕਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਪੰਜ ਪੰਜ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਆਏ, ਹਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਭਰੀ। ਉਸ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਆਪ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਐਨੀ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਜਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਕਬੀਰ, ਤਨ ਕਬੀਰ, ਤਨ ਕਬੀਰ, ਤਨ ਕਬੀਰ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣ ਹਾਲ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਸੁਖੀ। ਖੈਰ ਉਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੰਡਾਰਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਜਲਾਹਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
पांडव पंजे भरा जिहड़े चक्रवर्ती सम्राट सन हिंदुस्तान दे, एडा वड्डा भंडारा तो पांडव ही नहीं सन कर सके जिड्डा वड्डा भंडारा भगत कबीर ने किया। खैर गुरु की संगत, लोग धन कबीर कही जाते, खैर गुरु की संगत इधर तो कबीर जी, तो कबीर का बेटा तो जिते झाड़ी जो लोग बैठे सन, तन है कबीर, तन कबीर, तन कबीर। वो कबीर के कन्ने च वाजपेयी कमाला कहिंदा, बापू ये लोग धन कबीर कही जाते हैं, आके बेटा कहते ये तो नहीं कहते धन है कबीर, माफ़ करना जिन्हें सानू कर सद के भुखे मारता। खैर झाड़ी चो बाहर निकले, कहते भाई तुसी धन कबीर कही जाते हो। वह कहते भोले हो कितने बैठे हो तुसी, आह देखो सोने के बर्तन, अच सोने चांदी के बर्तन, आखो पाँच पाँच सोने दियां मोहरां, माफ करना वो तुसी छेती जाओ, अजे भंडारा चलता पिया है, अजे कम जारी है। खैर भगत कबीर का घर पुजना, वह करोड़ों ब्रह्मंडा का मालिक, वहरू अंतरजामी जो निर्गुण तो सरगुण होया सी, निर्गुण उन्हों कहते जरा इन अखा नज़र नहीं आता, सरगुण उन्हों कहते जरा दींदा इन अखा, वैरू अंतरजामी जरा निर्गुण तो सरगुण होया सी, फिर सरगुण तो निर्गुण हो गया, आया सी चला गया नाल, जिमें मच्छियां फड़न वाला जाल फैलाउंदा ते जदों जाल कट्ठा करता इन्ना का कट्ठा हो जाता, वह उन्हें अपना जाल ही फसाया, सारा संसार आवन जान एक खेल बनाया, आग्या करी कि नी माया। खैर रहो विचार जी, ते लोई महाराज तुसी महाराज मेथों इन्ना कुछ पा के रखे, कमली कमली आ कम के बंदियां वाला, कहिंदी दसो महाराज अज इन्ना कुछ की होया, मैं पुछदी रही तुसी दा कई रूपां च, इधर झाती मारदी सां उत्थे भी तुसी, उधर 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 आ की होया। कबीर जी नूं कहिंदी आ एडा वड्डा कम, कबीर जी कहिंदे तू तां पागल है, मैं एडा वड्डा कदे कम कीता, उत्थे बाणी उचारण कीती सी, ना हम किया ना करेंगे, सारे पढ़ो ना हम किया ना, कहिंदे ना हम किया ना, ना मैं कदे इहो जिहा एडा वड्डा कम कीता, ना करेंगे अगू वेख ली, जे मैं जो कीता ते जे अगू कर लिया तो समझ ली मैं कीता, ते जे मैं अगू ना कीता, मैं तैनूं दस रहा ना आपां पहलां कदे कम कीता इहो जिहा, कहिंदी पहलां तां नहीं कीता अज कीता, कहिंदा अज कीता किन कीता कमलीए सोहणा, कहिंदी की, कहिंदा ना हम किया, सारे पढ़ो ना हम किया, ते कहिंदा अगू वेली ना करेंगे, ना हम किया ना करेंगे, हाँ मेरा शरीर सारा दिन का देह, हाँ सूत बट बट के कपड़ा बुन बुन के उंगलियां दे पोटे किसे पैने, ते तू कहनी आ कम, ते लगे कह ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, सारे पढ़ो ना कर सके शरीर, ना मेरा शरीर, ना मेरे शरीर च इन्ना दम है कि एडा वड्डा कम कर दे। फिर लोई कहिंदी जे तुसी कीता नहीं, जे तुसी अगू नहीं करना ते ना शरीर कर सकता, फिर दसो ये कौन कर गया। वो कहिंदा तेनू तेनू मैं की दसा, मैनू तो कुछ नहीं पता, क्या जाना मैं की आखा, एक बार कह दो वह, एक बार फिर कह दे वहरू, क्या जाना मैनू नहीं पता, मैं की जाना, मैं क्या जाना, किस हर किया, मैनू लगता भी हर की कर गया, मालिक की कर गया आप, काम आप कर गया ना मेरा कर गया, काम आप कर गया ना मेरा कर गया, क्या जाना किस हर किया। पयो कबीर कबीर माफ करना, लगदा लोइए कहिंदे ना मैं कीता ना मैं करना, क्या जाना किस हर किया। पयो कबीर कबीर कहिंदे ना मैं कीता ते ना मैं करना, हाँ जी ते ना मैं कर ही सकदा। आओ इधर भगत रविदास जी, मेरा जंजू भी ठीक आ, माफ करना, कहिंदे वह कहते तेरे को गरंटी है, राजा कहिंदा, नवाब कहिंदा, आख्या जी तेरे ठाकर सच्चे ने की सबूत है तेरे को, आख्या जी गंगा दे पारले पासे एक आर हुंदा एक पार हुंदा, इन्हां पंडतां नूं कहो अपने ठाकर रखो, ते मैं भी अपने ठाकर रखदा सालग्राम, ते इन्हां नूं कहो पहलां अपने अपने ठाकरां नूं बुलाओ आवाज मार के, जे इन्हां दे ठाकर दरियाए गंगा तों तर के इन्हां कोल आ जाण, इन्हां दे ठाकर सच्चे, ते जे ना फिर झूठे,
पर जे मेरे ठाकर तरके आ जाण, मेरे ठाकर तरके आ जाण तो समझ लैना मेरे ठाकर सच्चे, मेरे ना आउण तो समझ लैना कि मेरे ठाकर झूठे, ये इन्हां दे आ जाण तो इन्हां दे सच्चे। पंडित जी कहिंदे ने ठीक है जी। खैर भगत एक पासे भगत रविदास जी ने अपने ठाकर रख दिते सालग्राम कह लो, तो दूजे पासे पंडितां ने रख दिते लगे करन आरती। हाँ जी माफ करन बड़ियां आरतियां करदे ने, ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਿੱਲਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੋਈ ਕਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਗਿਆ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਓ ਮਜਨ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮੱਜਣ ਮਰਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁੱਕ ਪੜੀ ਤਾਂ ਬੀਠਲ ਹਿੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਠਾਕਰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੂੰ ਬਿਨਾ, ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੂੰ ਬਿਨਾ, ਠਾਕਰ ਤਰਕੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਰ ਆ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਆ ਗਏ? ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਆ? ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇ। ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜੂ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਨੇਯੂ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੰਜੂ ਤੇ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜੰਜੂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲੇ ਦਾ ਜੰਜੂ ਉਤਾਰ। ਜੰਜੂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੰਜੂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੰਭੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਚਮੜਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਰੰਭੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਤਨ ਭਿੱਜਿਆ ਜੰਜੂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਉਸ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਧੁੱਪਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਗੰਗਾ
भगत रविदास की उस सिर के थले फिरदी आ। माफ करना जिहड़ी गंगा ते सारा हिंदू जगत शनान करदा, गंगा दे शनान नूं पवित्र समझदा, और गंगा दे थले उस सिल दे थले कंगणा दी भरी गंगा दिखा दित्ती सी भगत रविदास जी ने पंडित जी नूं। की सिफतां करिए, उस जमाने विच राजा नाजर मल दी राणी चित्तौड़गढ़ दा राजा सी, समां आग्या नहीं दिंदा। भोग वाले पासे चलीए, अगली पूर्णमाशी ते 4 बजे सही कीर्तन की समाप्ति हो जाया करेगी। अज भी इसे समय होनी सी, बाबा अर्जन सिंह होरां दे जाना पिया, बहुत ही जिद कर बैठे। खैर गुरु की संगत, जदों राणी ने उत्थे भगत रविदास जी पहुँचे ने, न्यौंदा दिता विद्वान पंडितां नूं, जदों न्यौंदा दिता ते प्रशादे 36 किस्म पदार्थ तैयार किए गए। जदों उह न्यौंदे ते विद्वान पंडित आए, सारे धर्म दे ठेकेदार आए, कहिंदे राणी न्यौंदा तूं दिता सी आ गया, पर गुरु होवेगा तो तेरा होवेगा, असी रविदास दे नाल बह के खाना पंगत च नहीं खाना क्योंकि ये नीवी जात है। राणी उदासी चली गई। रविदास ने आख्या, बीबा राणी चलन नूं आख्या, तू घबरा नहीं, तू इन्हां नूं खाना खिला दे, मैं बाद छक लूँगा। जदों प्रशादे विस्तारते गए तो जदों मुखी पंडित सी, जदों खाना लगा खाण, वह एक बुरकी तोड़ के जो मूँह पाउण लगता, मुखी पंडित की देखदा कि एक रविदास उहदी थाली च खब्बे पासे बैठा खा रहा, तो दूजे एक सज्जे पासे बैठा खा रहा। वह कहिंदा, ओ मैं की करां, दूजा वेखदा, फिर दूजा पंडित की देखदा, एक रविदास मेरे खब्बे पासे बैठा है, सज्जे कल्ले कल्ले ने इस तरह वेख्या। खालसा जी, माफ करना सारे, चले की करिए, चुप चुप कर आ गए सारे। फिर वो गल तां करनी चाहुंदे सीगे। खैर वह मेरा मुखी पंडित सी, वह कहिंदा कोई वेख्या, उस सुनना तो सारे चाहुंदे सी, पर यह कहना कोई नहीं सी चाहुंदा कि रविदास ना मैं रोटी खा ली, मेरे च खाना रविदास खा गया। वह कहना कोई देखिया, कहते की देखिया, माफ कर मर की देखिया, कहिंदा भराओ मैं जो खाना लगा खाण, उस थाली च एक रविदास मेरे खब्बे पासे बैठा खाना खा रहा सी, एक सज्जे, दूजा आंदा मेरे भी इंज सी, तीजा आंदा मेरे भी इंज सी, चौथा कहिंदा मेरी भी इंज सी। माफ करना सारे दे सारे, पंडित भगत रविदास दे पै चरनी टैप है, उत्थे बाणी उच्चारण कीती सी। माफ करना गुरु की संगत, बाणी उच्चारण कीती, नीचो ऊच करे मेरा गोबिंद, नीचो ऊच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरै, ओ परवाह नहीं किसे दी रखदा, नीवियां नूं ऊचे करदा। खैर गुरु की संग, अज उस भगत रविदास जी का प्रकाश दिवस आप सारे मना रहे हो, दूर नेड़े दुनिया च भी थान थान ते मनाया जा रहा है। जिस भगत रविदास ने नस बाणी पुस्तक आउंदी, नीच कुल हर जपते हैं उत्तम पदवी पाए, माफ करना नीवी कुल जिन्हों कहिंदे सन, उस कुल जन्म लैके जिन्हां नूं नीच कहिंदे सन, भगत रविदास ने दुनिया दे विच एक मिसाल पैदा कर दित्ती कि प्रभु की प्राप्ति का संबंध, प्रभु की प्राप्ति का संबंध ऊंची जां नीवी जात दे नाल नहीं है, प्रभु प्राप्ति का संबंध सिर्फ ते सिर्फ प्रेम दे नाल है, जिन्हें उन्हूं प्रेम किया उन्हूं उहदी प्राप्ति होई है। तदे गुरु जी फरमाउंदे हन, दशमेश जी, सच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो, तिन ही पायो इन शब्द प्रमाण, उन्हें पलों की माफ़ी, उन्होंने सदा पाठ उदों बाद अरदास होएगी। अगली पूर्णमाशी के 4 बजे 12 बजे कीर्तन शुरू हो जाया करेगा। बुलारे सज्जन भी इतने जोड़े आते हैं, नोट कर लैन, 12 तो 2 बजे तक का समा थोड़ा, उदों बाद समा कीर्तन का शुरू हो जाया करेगा। संगत दूरों नेड़े आउंदियां ने, थोड़ियां परेशान होंदियां सीगियां, साड़ी भी कुछ मजबूरियां ने, सत्संग प्रोग्राम भाई इन्हें कीर्तन दस ही नहीं सकते। खैर रहो विचार, हम समा आग्ञा नहीं दिंदा।